गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग सबिया, ये जो रेखा चित्र है, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो अभी जो बचा हुआ है सबिया की जो कहानी, आपको जो विश्लेषण करनी है वो मैं अभी कर देती हूँ, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने पेज नंबर 32 तक, यहाँ तक हमने एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है, इसका विश्लेषण हमने कर दिया है। तो आज हम लोग जो है वो पेज नंबर 33 उसकी जो पहली लाइन है उससे मैं शुरुआत कर देती हूँ, ठीक है। तो सुनिए, 10 बजे तब सब काम समाप्त कर बाजीगर के समान अपनी सृष्टि को समेटती हुई सबिया नहाने धोने चली जाती। फिर जब तक वह घिस घिस कर मांजी हुई पीतल की चमकीली थाली लेकर खाना लेने लौटती, तब तक छात्रावास में भोजन संबंधी सुदीर्घ कार्यकलाप का उपसंहार हो चुका। देखिए, अभी इसका अर्थ क्या है कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि सबिया जो है वो अपने बच्चों को साथ लेकर ही महादेवी वर्मा के घर में कार्य करती थी, और वो अपने बच्चों को एक नीम के पेड़ के नीचे रखती थी, और अपनी 5 वर्षीय जो उसकी बेटी है वो अपने भाई की रक्षा करती थी अथवा उसकी देखभाल करती थी, जो नवजात शिशु है, और ये जो सबिया है वो अपने काम में व्यस्त रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबिया के काम करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि जैसे ही आंगन का काम, आंगन में झाड़ू लगाना वगैरह का जो भी काम था, जब वो खत्म करती है तो वो अंदर आकर घिस घिस कर मांजी हुई पीतल की चमकीली थाली लेकर खाना लेने लौटती है। यानी यहाँ पे आंगन का काम खत्म होने के बाद वो घर में जो भी बर्तन रहते हैं उसको वो घिस घिस कर चमका कर, यानी इस कहने का तात्पर्य यह है कि बर्तन मांज कर वो क्या करती है, खाने के लिए अंदर आती है, और वहां पे महादेवी वर्मा के घर में किचन में जो चूल्हा चौका होता है वहां पे भोजन की सुंदर खुशबू आने लगती है, ठीक है। थालियों की जूठन जमादार के सिर पर न मड़ी जाकर स्कूल की गाड़ियों के बैलों को खिलाई जाए, ऐसी मेरी कठोर और परंपरा विरुद्ध आज्ञा के कारण सबिया को चौक से मिले दाल भात में महराजिन कहरी आदि के व्यंग की जो तिक्तता मिलती रही होगी उसका मैं अनुमान कर सकती हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे ये जो मैंने परिच्छेद पढ़ा, इसका तात्पर्य यह है कि सब काम खत्म करने के बाद महादेवी वर्मा क्या करती थी, अपने घर में जो भी खाना बनाती थी उसका जो भी थोड़ा बहुत, वो ज्यादा ही अपने घर में खाना बनाने के लिए नौकरों से कहती थी, और उसी में से जो खाना है वो अपने नौकरों को भी देती थी, ठीक है। तो महादेवी वर्मा का जो एक उसूल था, उनका उसूल यह था कि भोजन जो है, जो भी बचा हुआ भोजन रहता है वो फेंकने की वजह वो क्या करती है, अपने लोगों में अथवा नौकरों में बांट देती थी, ठीक है। तो खाना खाने के बाद जो भी बचा होता था, जो भी भोजन, तो वो खाने के लिए सबिया जो है वो अंदर आती है वो भोजन लेने के लिए। सबिया तो किसी की शिकायत करने में इतना हिचकिचाती थी मानो ऐसे किसी शब्द से उसके मुंह में दाह भरे छाले पड़ जाएंगे। देखिए, अभी सबिया यहाँ पे महादेवी वर्मा जी क्या कर रही है कि सबिया के चरित्र के बारे में कह रही है कि सबिया का जो स्वभाव था, उसका जो व्यक्तित्व था, तो वो किसी के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहती थी। दूसरों के बारे में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि गॉसिप करना, बिचिंग करना, जैसे हम लोग बोलते हैं दूसरों के बारे में बातें करना, उसको पसंद नहीं था, और ऐसा लगता था मानो उसके मुंह में दही जमा हुआ है। यानी दूसरों के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछा भी जा सकता था तो उसके मुंह से कुछ एक शब्द भी नहीं फूटता था। तो इसलिए उसको हमने जो है, माफ कीजिएगा, मुहावरों से उसका अर्थ बताया है कि मुंह में दही जमाना, इसका अर्थ यह है कि मुंह से एक भी उद्गार बाहर न आना, ठीक है। सांझ सवेरे बच्चों से लदी पदी सबिया को बड़ी कठिनाई से थाली ले जाते देखकर मैंने उसे वही
बच्चे को खिलाकर खा लेने की बात सुझाई। देखिए अभी यहाँ पे महादेवी वर्मा जी जो है वो सबिया को कहती हैं कि तू खाना घर क्यों लेके जा रही है, क्यों ना खाना तू खा ले और बच्चों को भी यहाँ से ही तू खाना खिलवा कर लेकर जा, ऐसे वो कहती है। ठीक है, उसने इस तरह सकुचाकर उत्तर दिया मानो किसी बड़े अक्षम्य अपराध की स्वीकारोक्ति हो। इसका अर्थ यह है कि महादेवी वर्मा जो प्रश्न पूछती है कि क्यों ना तो यहाँ पे भोजन जो है वो घर घर को ले लेकर जाने के बजाय तो यहाँ पे ही खाना खा और बच्चों को भी यही खिलवा दे और फिर जा। लेकिन इसके प्रति उत्तर में ये जो सबिया है उसके मुंह से कुछ उद्गार ही नहीं आता। वो सकुचाकर यानी संकोच कर कर यानी झिझकते हुए बात कुछ कहती है यानी प्रतिउत्तर देती है। क्या देती है प्रतिउत्तर, देखिए, कहा बचिया के आधर धुंधर आजी है मालकिन, ओह का बिन खिवाए खियावे पियाए कसत खाब। देखिए ये एक सबिया के ये उद्गार जो है ये एक गांव की भाषा है। ठीक है, ये बहुत ही पुरानी हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सबिया है वो प्रति उत्तर में महादेवी वर्मा को कह रही है कि घर में अंधी सास है, उसको छोड़कर मैं यहाँ पे कैसे खाना खा सकती हूँ। ठीक है, फिर कुछ कहना व्यर्थ था पर घी और दुर्बल स्त्री पर दो दो बच्चों के साथ अंधी माँ का भार लादने वाले मैकू पर मेरा मन झल्ला उठा। पुरुष भी विचित्र हैं, वह अपने छोटे से छोटे सुख के लिए स्त्री को बड़े से बड़ा दुख दे डालते हैं। देखिए यहाँ पे जब ये उत्तर उसको मिलता है महादेवी वर्मा जी को कि सबिया कहती है कि घर में अंधी सास होने की वजह से मैं यहाँ पे खाना खा नहीं सकती बल्कि मैं लेकर जा सकती हूँ उनके लिए भी, तब उसके बाद कुछ प्रश्न पूछना व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि ये सबिया जो है वो एक कर्तव्यनिष्ठ एक नारी है। उसका कर्तव्य क्या है जीवन में वो उसको पता है। ये सब देखने के बाद महादेवी वर्मा मन ही मन सोचती है कि ये जो मैकू है वो कितना निरर्थक व्यक्ति है, यानी जो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता, कुछ काम ना काज कर रहते हैं, हम लोग उसको निरर्थक व्यक्ति बोलते हैं, उसको हम लोग नालायक व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, ये नालायक ये गाली नहीं है, तो इसका अर्थ है जो किसी काम के लायक नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, अपनी अंधी बूढ़ी जो माँ है उसको भी इस सबिया के मत्थे पर टंगा दिया है, यानी इसका भी बोझ, इस अंधी सासू माँ का बोझ भी सबिया के सिर पर है। कहने का तात्पर्य यह है। यहाँ पे एक बात कही गई है, पुरुष भी विचित्र है, वह अपने छोटे से छोटे सुख के लिए स्त्री को बड़ा सा बड़ा दुख दे डालते हैं। देखिए यहाँ पे मनुष्य की ये जो भावनाएं हैं अथवा उनमें जो व्यक्तित्व है उसके बारे में महादेवी वर्मा कह रही है कि ये जो पुरुष जात के व्यक्ति होते हैं वो अपनी छोटी खुशी के लिए औरतों को बहुत बड़ा दुख दे डालते हैं। ऐसी निश्चिंतता से मानो वह स्त्री को उसका प्राप्य ही दे रहा हो, देखिए, और ऐसे दुख दे डालते हैं कि मानो ये व्यक्ति जो है अथवा वो जो औरत है वो ये दुख झेलने के लिए ही बनी है, ऐसा दुख वो उसके ऊपर डाल देते हैं। सभी कर्तव्यों को वह चीनी से ढकी कुनैन के समान मीठे मीठे रूप में ही चाहता है। देखिए अभी इसका अर्थ क्या है, जैसे चीनी होती है शक्कर शुगर जो होता है, यहाँ पे पुरुष को जीवन में हमेशा हर समय सिर्फ शक्कर ही शक्कर चाहिए रहता है, यानी जीवन में सिर्फ सुख ही सुख चाहिए होता है, दुख उस वो झेलना ही नहीं चाहता अथवा दुख उसको चाहिए ही नहीं। जैसे ही कटुता का आभास मिला कि उसकी पहली प्रवृत्ति सब कुछ
जहां का तहां पटक कर भाग खड़े होने की होती है। देखिए, अगर पुरुष के जीवन में थोड़ा सा भी अगर दुख आता है, अथवा मान लीजिए उसको एक भास होता है, उसको पता चलता है कि अभी दुख आने वाला है, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। इसका अर्थ यह है, सबिया की अकारण शालीनता पर मेरी ऐसी सकारण ममता उत्पन्न हो गई थी कि उसका समय एक प्रकार से अच्छा ही कटने लगा था। देखिए, यहाँ पे सबिया के घर के आने की वजह से सबिया का दिन भी जो दिन जो है वो भी चला जा रहा था, और ये जो महादेवी वर्मा है उनके भी जो दिन है वो अच्छे कटने लगे थे। तब अचानक एक दिन दरवाजे की ओट में दुबकी खड़ी सबिया के लिए मानो दूभाषीय का काम करती हुई भक्ति ने बताया कि उसे एक अच्छी सी धोती चाहिए। देखिए, अभी एक दिन क्या होता है, ये जो भक्तिन है, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया कि भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा की नौकरानी है, और एक दिन महादेवी वर्मा के सामने आती है और बोलती है कि सबिया को एक अच्छी धोती चाहिए। इसका अर्थ है सबिया को एक अच्छी साड़ी चाहिए। मैंने अर्गनी पर सूखती हुई खद्दर की साड़ी दे देने की अनुमति दे दी, परंतु भक्ति ने मुंह बनाकर कहा, और अच्छी। देखिए, यहाँ पे भक्ति जो है वो जब महादेवी वर्मा से सबिया के लिए साड़ी मंगवाती है, यानी मांगती है, तो महादेवी वर्मा क्या करती है, अपने कमरे में जो एक किले पर लटकाई हुई एक साड़ी है उसको देने के लिए बोलती है, लेकिन भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा को कहती है कि और अच्छी। इसका तात्पर्य यह है कि इससे भी अच्छी साड़ी दीजिए करके वो बोलती है। देखिए, यहाँ से हमको ये पता चलता है कि भक्तिन ये जो नौकरानी है उसके भी मन में कहीं ना कहीं सबिया के लिए सहानुभूति है, एक प्रेम है, एक दया याचना है, ये एक भाव उत्पन्न हो चुका है भक्तिन के, माफ कीजिएगा, सबिया का, ये परिवार की जो मुश्किलें हैं उसको देखकर, ठीक है, उसके परिवार की हालत को देखकर भक्तिन को भी तरस आता है। जब सबिया एक साड़ी, अच्छी साड़ी मांगती है महादेवी वर्मा से, पहले तो वो भक्तिन से कहती है, भक्तिन जो है वो महादेवी से ये बात कहती है और उसके लिए एक अच्छी साड़ी देने के लिए वो रिक्वेस्ट करती है अथवा याचना करती है। तब फिर उठकर मैंने कपड़ों में से अनिश्चितता विशेषण के अंतर्गत रखने योग्य साड़ियों की छानबीन आरंभ की। जिन दिनों मैंने रेशम पहना नहीं छोड़ा था, तभी की एक धुल धुल कर फीकी पड़ी हुई नीली सी रेशमी साड़ी हाथ लगी और इस उसी को भक्तिन के आगे फेंक मैंने अपने काम में मन लगाया। देखिए, जब भक्तिन और अच्छी साड़ी देने के लिए आग्रह करती है महादेवी वर्मा से, तो महादेवी वर्मा क्या करती है, अपना कबड़ जो है वो खोलती है और उसमें एक रेशमी साड़ी पड़ी हुई रहती है जिसका रंग जो है वो फीका पड़ गया है, जो लाइट हो गया है, उसको वो लेती है और भक्तिन को दे देती है और अपने काम में वो व्यस्त हो जाती है। जितना कोई स्वयं बता दे उससे अधिक किसी के संबंध में जाने की मेरी कभी इच्छा नहीं होती। इसी से साड़ी की इस असमय याचना के संबंध में मैंने कुछ न पूछा, पर मेरे स्वभाव की इस कमी को पूरा किए बिना भक्तिन जी ही नहीं सकती। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि महादेवी वर्मा का एक स्वभाव था, वो किसी के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं करती थी, किसी के बारे में जाने के लिए उसके पास ना तो वक्त था और ना उसको कुछ इच्छा थी अथवा कुछ इंटरेस्ट था। तो तब ये साड़ी क्यों चाहिए ये पूछने के लिए भी महादेवी वर्मा ने ऐसी कोशिश भी नहीं की और उनको इच्छा भी नहीं थी। लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया कि भक्तिन जो है घर में जो भी कुछ होता था अथवा मोहल्ले में जो भी कुछ घटनाएं घटित होती थी उसका विवरण जो है वो महादेवी वर्मा के सामने वो करती थी। तो ये जो बात जो है कि उसने साड़ी क्यों ली, ये भी वो भक्तिन जो है बिना कहे रह नहीं सकी और उसने इसके इसका कारण भी बताया। अभी ये क्या कारण है देखिए,
वह दूसरों के लिए ही नहीं मेरे लिए भी विस्मय की वस्तु है। मैं चाहे जितना अवश्य काम करती रहूं, परंतु वह मेरे श्रवण की सीमा के भीतर ही कहीं बैठकर संसार भर की कथा अपने आप से कहने के बहाने मुझे सुनाती रहती थी। देखिए, ये भक्तिन क्या करती थी, उसको पता है कि उसकी जो मालकिन है वो बहुत बिजी रहती है और उसके लिए कुछ सुनने के लिए वक्त भी नहीं रहता था। तो वो सब कुछ ये उसका जैसा उसका स्वभाव है उसकी मालकिन का, वो जानती थी भक्ति, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत करती थी कि मानो वो अपने आप से बातें कर रही है और सब कुछ जो भी घटनाएं घटित होती है उसका विवरण वो इनडायरेक्टली महादेवी वर्मा को कह देती थी। यानी ऐसे बात करती थी कि मानो वो महादेवी वर्मा के कान में कान तक वो बात पहुंच जाए। अनेक बार मैंने उसे बहुत डांटा भी है, पर उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। जब से वह 18 आम और 5 मोवे के पेड़ों वाला बगीचा, मिट्टी का कच्चा घर और 25 बीघा खेत छोड़कर तथा तीन तीन बेटी दामादों और उनके नाती नातिनों से ममता तोड़कर मेरे पास आई है, तब से मुझे छोड़कर गांव जाने की संभावना उसके मन में घुस ही नहीं पाई है। देखिए, ये जो भक्तिन है, ये जो नौकरानी है, वो भी एक संपन्न परिवार से है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत गरीब है, ठीक है, उसके पास भी बहुत सारी जमीन है, खेती बाड़ी है, उसके बेटे हैं, जमाई है, ठीक है, और नातिन भी है, लेकिन फिर भी ये जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा को छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि महादेवी वर्मा की जो ये नौकरानी है भक्तिन, वो एक अच्छी मित्र मैत्री, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक अच्छी सहेली बन चुकी है, उन दोनों में एक अच्छी मित्रता बन चुका है। माने मानो वो एक मालकिन और नौकरानी का क्यों ना हो, लेकिन उन दोनों में मित्रता है, वो दोनों एक पक्की सहेलियां हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। मैं वेतन न दूं तो भी वह जाने को राजी नहीं। देखिए, कभी कभार अगर महादेवी वर्मा वेतन, वेतन का अर्थ होता है सैलरी, जो मंथली सैलरी है, अगर महादेवी वर्मा भक्तिन को नहीं भी देती है तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अथवा उसको कुछ, वो पूछती भी नहीं है पैसों के बारे में। खाना न दूं तो भी वह गांव से सत्तू गुड़ लाकर खाने को प्रस्तुत है। देखिए, अगर वो महादेवी वर्मा कभी कभार उसको सैलरी नहीं देती, उसको टेस्ट करने के लिए कि ये जाती है या नहीं, उसको देखना है, तो उसके लिए कभी कभी वो उसकी सैलरी अथवा वेतन भी नहीं देती, कभी कभार तो खाना भी नहीं देती, तो वो क्या करती है, गांव में जो दुकान रहते हैं वहां से सत्तू और गुड़ लेकर, सत्तू यानी बेसन, बेसन लाकर और लड्डू खाकर वो क्या करती है, अपना दिन गुजारती है। पर मुझे छोड़कर वह केवल स्वर्ग जाएगी और वह भी अपनी इच्छा से नहीं। देखिए, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि ये जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा को तभी छोड़ सकती है जब वो मर जाएगी अथवा तो उसका निधन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को सुधारना क्या कभी संभव है? तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी को प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या संभव है कि हम उनको क्या कर सके, उनको सुधार सके। इसी से वह निरंतर संजय की भूमिका निभाती रहती है। यहाँ पे संजय का इस नाम का यहाँ पे प्रयोग किया है, तो ये संजय कौन है? तो आपको पता है कि ये जो धृतराष्ट्र था, महाभारत का जो धृतराष्ट्र था, उसका सेवक था संजय। आपको पता है धृतराष्ट्र अंधा था, वो दिखाई, उसको दिखाई नहीं देता था, तो जो भी युद्ध की बातें हो, जो भी उसको हालचाल पूछना हो, तो जो भी बातें उसको जाननी होती थी धृतराष्ट्र को, तो अपने सेवक जो संजय है उससे वो पूछते थे और अपने जो प्रश्न है वो सुलझाते थे, ठीक है। तो वैसे ही महादेवी वर्मा के जो भी प्रश्न थे, वो यानी मोहल्ले की जो भी बातें थी, युद्ध की बातें थी, जैसे संजय अपना कार्य करता था, सब कुछ मोहल्ले में जो भी होता था, उसके राज्य कारण में, कारभार में जो भी होता था, वो जैसे बताता था, तो वैसे ही यहाँ पे भक्तिन जो है वो संजय की भूमिका निभा रही थी। यानी जो भी मोहल्ले में, गांव में, घर में जो भी वार्तालाप होता था अथवा जो भी बातें घटित होती थी, घटनाएं घटित होती थी, बातें हैं, वो सब कुछ वो अपने मालकिन अथवा महादेवी वर्मा को आकर वो बताती थी।
अंतर केवल इतना ही है कि महाभारत का संजय अंधे धृतराष्ट्र के पूछने पर युद्ध का समाचार देकर उन्हें आंखों का सुख देता था, और इसकी अनपूछी संसार कथा के लिए मुझे प्राय बहरा बनने का दुख भोगना पड़ता है। देखिए यहाँ पे फर्क बस इतना ही है, धृतराष्ट्र अंधे होने की वजह से वो अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए कुछ प्रश्न पूछता था, और संजय जो है वो एक उनकी आंख बनकर सब कुछ उनको बताता था, ठीक है, जो भी घटनाएं घटित होती थी। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, भक्तिन जो है वो खुद से सब कुछ बताती है और महादेवी वर्मा को बहरा बनना पड़ रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, अथवा इच्छा नहीं है। ठीक है, तो आगे मैं बढ़ती हूँ। हाँ, तो भक्तिन से पता चला कि मैकू लौटा तो गेंदा के साथ, पर उसे स्टेशन के किसी जमादार के घर अतिथि बना आया। बेचारी सबिया सुख से पागल हो गई और उसी दिन सत्यनारायण की कथा का प्रबंध करने दौड़ी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ट्विस्ट आ गया है कहानी में, ठीक है, बदलाव आ गया है। यहाँ पे मैकू वापस लौटा है अपनी पत्नी के साथ, जो जो पत्नी उसने भगा कर लेके गया है वो उसके साथ वो लौटा है, और उसका नाम है गेंदा। ठीक है, उस औरत का नाम गेंदा है। ठीक है, सबिया और गेंदा। ठीक है, सबिया आप मान सकते हो मैकू की पहली पत्नी है और गेंदा जो है वो दूसरी पत्नी है। ठीक है, और ये पता चलने के बाद सबिया क्या करती है, घर में खुशी से सत्यनारायण की पूजा रखती है कि मेरा पति वापस आ गया। वो क्या करता है, पति वापस घर में तो आता है लेकिन उसने क्या किया है, अपनी दूसरी पत्नी को किसी जमादार के यहाँ अतिथि बनकर उसने रखवाया है। जमादार यानी वहां पे रहने वाला, जो भी हम लोग बोलते हैं ना, एक नौकर की तरह है, एक आदमी के वहां उसने क्या किया है, वहां पे रखा है। जब सब ठीक हो चुका तब मैकू मुंह लटका कर बैठा रहा, और बहुत पूछने पर गेंदा का समाचार देकर उसे बुला लाने के लिए सबिया की खुशामत करने लगा। देखिए अभी क्या है, ये मैकू अपनी बीवी अथवा सबिया, ये जो उसकी पहली बीवी है, उसको वो मस्का लगा रहा है कि प्लीज तुम क्या करो, गेंदा को जो है वो अपने घर में स्वीकार कर लो क्योंकि वो भी उसकी पत्नी ही है। ठीक है, वो कितने दिन तक दूसरों के यहाँ मेहमान बनकर रह सकती है। देखिए इतना ही नहीं, सबिया की रेशमी साड़ी देखकर उसने बहुत दीनता से कहा, यह तो तेरे काले रंग पर नहीं भपती, इसे गेंदा को दे डाल, उस पर खूब मिलेगी, खूब खिलेगी। देखिए अभी ये जो उद्गार है वो मैकू के उद्गार है। देखिए तो मैकू क्या कर रहा है, वो देखता है कि ये जो सबिया है उसने क्या किया है, रेशमी साड़ी पहनी है, तो उसको देखकर वो बोलता है कि ये साड़ी तुझको जचेगी नहीं क्योंकि तेरा रंग तो काला है, यानी कहने का तात्पर्य तू काली है और तुझ पर ये रंग भी नहीं जच रहा है, तू ऐसा कर, तू गेंदा को ये साड़ी दे डाल, और ये साड़ी पहनने के बाद वो बहुत खिलेगी, यानी बहुत वो सुंदर दिखेगी, कहने का तात्पर्य है। अभी देखिए ये जो डायलॉग है अथवा ये जो उद्गार है माइको के, ये आपको क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो संदर्भ के लिए आपको ये कहना है कि ये उक्त उद्गार माइको द्वारा उद्गारित है और ये सभी को बात बताई गई है, ये सबिया नामक रेखा चित्र से उद्गार लिया गया है जिसके लेखक अथवा जिसके लेखिका महादेवी वर्मा जी है। ये संदर्भ फिर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, फिर बाद में ये क्यों उद्गार कहा गया है, किस वातावरण में कहा गया है, ठीक है, ये सब कुछ बताना है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग यहाँ पे ही स्टॉप कर देते हैं। अगली क्लास में मैं ये जो कहानी है वो खत्म कर ही दूंगी, अथवा रेखा चित्र जो है ये थोड़ी कहानी बड़ी है तो इसलिए थोड़ा समझने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा ही देर ले रही हूँ, ताकि आप हर दिन पढ़े। ठीक है, और जब पढ़ते समय ना ध्यान से पढ़िए क्योंकि बीच में से कोई भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। देखिए अभी इस पेज में एक संदर्भ के लिए आपको प्रश्न गारंटी पूछा जा सकता है, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मैकू की दूसरी बीवी का नाम क्या है अथवा पत्नी का नाम क्या है, तो गेंदा। ठीक है, ये ना याद रखिए। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास के लिए हम आगे आगे का जो विश्लेषण है
मुंह में कर दूंगी, ठीक है।